हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे, तो आप हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो यहाँ पर मैंने महीन कपड़ा लिया है, इससे हम बाद में कटिंग करेंगे। और यहाँ पर मैंने अत्तर लिया है, अत्तर हमारा सूती है कॉटन का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हम यहाँ पर इस तरह से अच्छे से फोल्ड करेंगे। फिर हमें यहाँ पर लंबाई नापनी होती है, तो लंबाई हमारी 13 इंच है और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। तो 14.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, ठीक है। आगे वाले पल्ले पर हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना होता है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0.5 इंच पर निशान लगाएंगे हुक और आई की पट्टी के लिए। और यहाँ पर गले की चौड़ाई हम 5 इंच रखेंगे, तो 5 को आधा करेंगे तो 2.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और यहाँ से गले की लंबाई नापेंगे, तो गले की लंबाई हम यहाँ पर 6 इंच रखेंगे, तो 6 इंच पर निशान लगा देंगे। और इस तरह से बॉक्स बनाकर हमें गले की गुलाई कर देना है। और यहाँ पर हम शोल्डर की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे, तो 3 इंच पर हमें निशान लगाना है। और यहाँ से आर्महोल की लंबाई नापेंगे, तो आर्महोल की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 6 इंच, तो 6 इंच पर निशान लगा देंगे। और यहाँ पर हमें 1 इंच पर इस तरह से आर्महोल की गोलाई कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर हमारी सीने की चौड़ाई 36 इंच है, तो 36 का चौथाई भाग हुए 9 इंच, तो 9 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर कमर नापेंगे, तो कमर हमारी यहाँ पर है 30 इंच, तो 30 के चौथाई भाग हुए 7.5 इंच, और 1 इंच हमें प्लेट के लिए मार्जिन लेना है, तो 8.5 इंच पर निशान लगा देंगे। अब हम यहाँ पर बेल्ट का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर हमें बंद वाली साइड से 3.5 इंच पर निशान लगाना है, और फिटिंग वाली साइड से हम यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे। फिर देखिए, इस तरह से दोनों निशान को मिला देना है, ठीक है। यहाँ पर हमें हल्की सी गुलाई कर देनी है, ये हमारी बेल्ट हो गई है। अब हम यहाँ पर कटोरी का निशान लगाएंगे, तो आर्महोल वाली साइड से हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है, और गले की साइड से हम यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे, और फिटिंग वाली साइड से हम यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस तरह से तीनों निशान को मिला देना है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने कुछ इस तरह से निशान लगा दिया है। तो जहाँ पर हमारा निशान लगा है, तो उसी निशान के ऊपर हम यहाँ पर कटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने कटिंग कर लिया है। यहाँ पर हमने कटोरी की कटिंग नहीं करी है, क्योंकि पहले हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो अत्तर को हमें कुछ इस तरह से बिछा देना है। अत्तर की जो बंद साइड है, वो हमें यहाँ पर अपनी तरफ रखेंगे, और यहाँ पर ये हमारा पीछे वाला पल्ला रहेगा, ठीक है। तो लंबाई हमारी 13 इंच है, और 1 इंच का हमें यहाँ पर मार्जिन लेना है, तो 14 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। पीछे वाले पल्ले पर हमें 1 इंच का ही मार्जिन लेना है। फिर हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसको उस तरह से रखेंगे। जो हमारा 0.5 इंच का मार्जिन है, उसको हमें बाहर की तरफ रखना है, ठीक है। तो पल्ले को बिल्कुल एक बराबर रखेंगे और यहाँ पर निशान लगा देंगे। आगे वाले पल्ले पर हमने आर्महोल की गोलाई 1 इंच रखी थी, तो पीछे वाले पल्ले पर हमें आर्महोल की गोलाई 1.5 इंच रखनी है। देखिए, यहाँ पर हमने 1.5 इंच पर आर्महोल की गोलाई रखी है। और यहाँ पर आप लोगों को ऐसे ही हम यहाँ पर गले का निशान लगाकर दिखा रहे हैं, क्योंकि पीछे की तरफ हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। अगर आप डिजाइन नहीं बनाना चाहती हैं, तो ऐसे ही गले की कटिंग कर सकती हैं निशान लगाकर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है, अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए, मैंने कटिंग भी कर लिया है। यहाँ पर हमें 20 सेंटर पर कट लगा देना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लेट का निशान लगा लेते हैं। तो प्लेट की चौड़ाई हम यहाँ पर 5.5 इंच रखेंगे और लंबाई 4 इंच रखेंगे। तो इस तरह से दोनों निशान को मिला देना है, ठीक है। ये वाली प्लेट हमारी 1 इंच चौड़ी रहेगी, तो यहाँ पर मैंने निशान भी लगा दिया है। पीछे वाले पल्ले में हमें डिजाइन बनानी है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को लेंगे और दोनों पल्ले को बिल्कुल एक बराबर रखेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा निशान है, तो उसकी कटिंग करेंगे। पहले हम यहाँ पर बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बेल्ट की कटिंग कर ली है, तो अब हम यहाँ पर कटोरी की कटिंग कर लेते हैं। ध्यान रहना चाहिए कि जो हमारा निशान है, उसी निशान के ऊपर हमें कटिंग करना है।
तो यहाँ पर मैंने सारे पार्ट आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर जो हमारा अस्तर बचा है तो इसमें से क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें कुछ इस तरह से बिछा देना है। और यहाँ पर बाजू की लंबाई हम 4.5 इंच रखेंगे और 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बाजू की हमारी जो लंबाई है वो 5.5 इंच है और बाजू की मोरी हम यहाँ पर 6 इंच रखेंगे, तो 6 इंच पर निशान लगा देंगे। और यहाँ पर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से गुलाई कर देंगे। बाजू की चौड़ाई हम यहाँ पर 8 इंच रखेंगे, तो 8 इंच पर निशान लगा देंगे। यहाँ पर कटिंग कर देंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हल्की सी गहराई देंगे। ये वाला हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा तो यहाँ पर कट लगा देंगे। अब हम यहाँ पर कटोरी को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अत्तर को नीचे रखेंगे और यहाँ पर जो हमने कटोरी कटिंग करी थी तो उसको रखेंगे और यहाँ पर सेम निशान लगा देंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो हमने निशान लगा दिया है, इस कटोरी को हम हटा देंगे, इसका कोई काम नहीं है। अब हम यहाँ पर नीचे वाली कटोरी को बढ़ाएंगे, तो दोनों तरफ से हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे और ऊपर से हमें 0.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर कटोरी की चौड़ाई नाप लेते हैं और नापने के बाद हम इसको आधा करेंगे और यहाँ पर बी सेंटर पर निशान लगा देंगे। और यहाँ पर नीचे की तरफ हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से सीधी लाइन खींचकर हमें तिरछे में लाइन खींच देनी है। और यहाँ पर हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है। इस साइड में भी हम यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे। यहाँ पर हमारी जो प्लेट की चौड़ाई है वो 3 इंच रखेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से, तो हमने एक कटोरी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर दूसरी कटोरी भी कटिंग कर लेते हैं। इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर बराबर रख के हमें कटिंग कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दूसरी कटोरी भी कटिंग कर ली है। दोनों एक बराबर हमारी कटोरी रहनी चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर मैन कपड़े को अच्छे से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हमें कुछ इस तरह से आगे वाले पल्ले को रख लेना है, ठीक है। और रखने के बाद हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। ध्यान रहना चाहिए जो हमारा कपड़ा है उसको ज़्यादा ही कटिंग करना है, ठीक है। इससे हम सिलने के बाद इसको अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर कपड़े को घुमाकर अपनी साइड में कर लेंगे। कपड़े की जो बंद साइड है वो हमें अपनी तरफ रखनी है और इसके ऊपर पीछे वाले पल्ले को रख लेते हैं। और रखने के बाद हमें कटिंग कर देना है। ध्यान रहना चाहिए कि जो हमारा कपड़ा है उसको ज़्यादा ही कटिंग करना है, क्योंकि जब हम इसको सिलेंगे उसके बाद में हमें अच्छे से कटिंग कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर दी है और यहाँ पर हमारा जो कपड़ा बचा है तो इसमें से हम बेल्ट निकाल लेते हैं। तो अत्तर वाली बेल्ट को हम कुछ इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद हमें कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट की भी कटिंग कर ली है और इतना जो हमारा कपड़ा बचा है तो इसको हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है। इसमें से हमें बाजू निकाल लेनी है, तो अत्तर वाली बाजू हम यहाँ पर रखेंगे और रखने के बाद हमें कटिंग कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बाजू की भी कटिंग कर दी है। तो देखा आप लोगों ने मैंने किस तरह से कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग करना सिखाया है और इसकी सिलाई हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।